मन माने ना, मन माने ना। राना परेशान हो ना तुम, लेकिन बोले राना तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जानती हूँ, लेकिन डर सिर्फ एक बात का है कि कहीं अदीब फिर से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे ताहिरों के सामने। हाँ तो कर दे, उल्टी सीधी बात कर देगा तो इसे क्या फर्क पड़ जाएगा गुलराना? तुम्हारे ताया अबू तुमसे वाकिफ नहीं है, एतमाद नहीं होने तुम पर। लेकिन अपनी औलाद से ज्यादा तो कोई नहीं होता ना। मेरी तरफ देखो, छुपा रही हूँ मुझसे। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। अदील और मेरा निकाह पहले ही हो गया था। मुझे याद है वो दिन जब वो मुझे इस घर लेके गया था। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं मेरा राना? क्या कहती किसी से? मिलने वाले जवाब जब पहले से पता हो तो सवाल करने का कोई फायदा ही नहीं होता। जानती थी सबका एक ही जवाब होगा, सब्र। सबर ही तो करती आ रही। लेकिन अब नहीं होता, बहुत कोशिश की अब होता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे जैसे सबर अपनी आखिरी सांसों पे है, दम तोड़ने वाला है। कच्चे घड़े पर रखी थी खुशियाँ, गम की नदी में डूबे हुए हैं। कोई जाने ना, कोई जाने ना, दिल की लगे कोई जाने ना। ये गुलेराना कराची में ही है या कि मरी वापस चली गई? जी अभी यहीं है, अपनी खाला के यहाँ गई है। अच्छा, हमने तो सुना है कि अदील भी कराची आया हुआ है। भाई अब तो उसे फुप्पो की याद ही नहीं आती, मिलने तक नहीं आया। आपको किसने बताया कि वो कराची में? मारिया ने बताया मुझे मामू, फोन किया था मारिया ने मुझे स्पेशली कि वो दोनों वापस आ गए और अब आप उन दोनों का निकाह करें। मारिया ठीक कह रही, तुम्हें तो गुलेराना बड़ी पसंद थी, तो ये फैसला करते हुए तुमने उसके बारे में नहीं सोचा, उससे मशवरा नहीं किया? सोचा भी है और मशवरा भी किया है। हाय हाय, बिन बाप की बच्ची तुम्हारे रहमो करम पर पड़ी हुई, भला तुम्हारे फैसले से कैसे इख्तलाफ कर सकती है? इस वक्त
मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज कोई और बात करें। भाई जो फैसला तुम कर चुके हो ना, अब उस पर सारी जिंदगी ऐसे ही परेशान रहोगे। मारिया हमारी भांजी जरूर है, मगर उसकी खसलत किसी बिच्छू से कम नहीं है। जितना भी एहसान करते जाओगे ना, उतना ही डसेगी तुम्हें। क्यों लैला? आए मेरा बच्चा। अरे आ गया दिल, यहाँ आप के पास बैठ। हट बेटा हट, आ जा। आए मेरा बच्चा, कैसा है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम लोगों की खैर खैरियत पूछने को भागी चली आई। तुम कैसे हो लैला? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुना है मारिया ने वापस आकर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए तुम पर। और अब तुम उस सबको फिक्स करने के लिए शादी कर रहे हो उससे। शायद आपा को कबाब दो। आए है, कबाब वबाब तो रहने ही दो कसम से, अपना तो दिल ही जलकर कबाब हो गया। वो क्या है कि अजीब अजीब बातें जो सुन रही हूँ कसम से। अधील, क्या ये सारी बातें ठीक है? अम्मी प्लीज मत रोएं, चुप हो जाएं। बच्ची का घर उजड़ रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कैसे ना रो। लेकिन अदील भाई तैयार नहीं है इसके लिए। तुम्हें कैसे पता है? अम्मी मैंने सुना है कि वो इस शादी से इनकार कर रहे हैं। तो तुम्हें कल ही जाके खुद लेकर आती हूँ राणा को, उसे कहती हूँ कि फौरन वापस आए, उसका इस वक्त यहाँ होना जरूरी है। मैंने बात की है बाजी से, जरूरी तो है लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं। मियाँ बीवी में सौ तरह की बातें होती, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बात को दिल पे लेके बैठ जाया जाए। इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ होगी, अदील के साथ खड़ी होगी, तो भाईजान भी अपना फैसला बदलने पे मजबूर होंगे। जी इंशाल्लाह अम्मी, ऐसा ही होगा। मामा, कब से बोला वे चाय लाने के लिए, अब ले भी आए। खुद भी कभी बना के पी लिया करो, बल्कि माँ को भी बना के पिला दिया करो। हर वक्त शोर, क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? अरे बेटा क्या बात है, बताओ तो सही। अदील की शादी हो रही है उस मारिया से, मेरा मूड अच्छा होगा क्या? मामू की इतनी बड़ी जायदाद की मालिक वो मनहूस मारिया बनने वाली है। मामा आप तो हार गई, और जासवा खाला वो जीत गई आप। हाँ ठीक कह रही हो तुम, इस बात का तो मुझे भी बेहद अफसोस है। अब तो उन माँ बेटियों के कदम जमीन पे ही नहीं पड़ेंगे, अरे उड़ती फिरेंगी वो हवाओं में। नखरा तो पहले ही बहुत था उन दोनों में। खैर अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं, तो सारी उम्मीदें टूट गई। नहीं नहीं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, थोड़ा सबर करो, मुझे कुछ खटक रहा है। क्या? यही कि अदील मुझे इस शादी से खुश नजर नहीं आ रहा। क्या वाकई? तो फिर ये रिश्ता क्यों किया जा रहा है? यही तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये अंदर अंदर खिचड़ी पकी क्या है।
मामा आप प्लीज जल्दी से पता चलाएं ना कि आखिर असली बात क्या है। मैं मारिया की शादी अदील से तो हरगिज नहीं होने दूंगी मामा, प्लीज कुछ करें। तुम बेफिक्र रहो, कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो जब वो कल खुद तुम्हें लेने आया था तो तुम्हें उसके साथ आ जाना चाहिए था ना, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो रही हो तुम। अदील का मसला दूसरी शादी नहीं है अम्मी, अगर आप ये समझनी है कि वो मुझे दुख नहीं देना चाहता, मेरे साथ रहने के लिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो ये गलत सोच है। वो अच्छी तरह से जानता है कि मारिया जैसी लड़की अच्छी दोस्त तो बन सकती है लेकिन अच्छी बीवी कभी भी नहीं बन सकती। अदील एक ऐसी बीवी चाहता है जो उसके किसी भी मामले में कोई दखल अंदाजी ना करे, उसके घर वालों का ख्याल रखे पूरी दयानतदारी के साथ, इसीलिए वो मेरे साथ जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधे रहना चाहता है। बेटा ये भी तो सोचो कि अकेली औरत की जिंदगी सवालिया निशान बन जाती है, वो कितनी ही पाकबाज क्यों ना हो लोग तो उंगलियां उठाएंगे ना। तो ये लोगों का मसला है ना अम्मी, उस औरत का तो नहीं। अच्छा बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम यहाँ आओ, भाई साहब को मनाओगी तो वो मान जाएंगे यकीनन। अम्मी मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं ताया अब्बू को भी बता चुकी हूँ कि अगर अदील को दूसरी शादी करनी है तो वो कर सकता है। ये क्या किया है बेटा तुमने, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया तुमने। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या किया है तुमने, ये क्या किया तुमने अदील? मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मारिया जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो तुम, उससे अच्छी खासी ना तेज औरत है वो, चालाक मक्कार, कुछ भी कर सकती हैं वो लोग तो। अब कर लो उससे शादी, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। रोज बल्कि रोज नहीं, हर दिन पूरी जिंदगी तुम पर हुक्म चलाएगी और बात बात पर ना तुम्हें मामू से डराती रहेगी, दबके रहना। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि अब तुम्हारा होगा क्या, शदीद परेशानी हो रही है मुझे। खैर ये बताओ अब वो कहाँ है तुम्हारी बीवी गुले राना, जो पहले तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, कहाँ गई वो अब तुम इतने मुश्किल वक्त में हो? वो भी मारिया से कुछ कम नहीं है। कहती थी ना, देख लिया अब तुमने, हमेशा से कहती थी तुम्हें, मगर नहीं, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फंस गए ना अब इस मुश्किल में, कौन निकालेगा? अब मैं चाहूं भी ना तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। खैर देखकर आती हूँ, वो राजवा खाला के घर पर बैठकर सब ग्रुप बनाकर मामू का ब्रेन वॉश कर रहे होंगे। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। चलो अब रिलैक्स हो जाओ, देखकर आती हूँ। यकीन करो कमाल, मैं तो सुबह से तुम्हें याद कर रही थी, और मैं तो बच्चों को भी ये कह रही थी कि देखना आज तुम्हारे मामू जरूर आएंगे। क्यों जफरी, मैंने कहा था ना, बताओ मामू को। हाँ हाँ, हर वक्त आपको याद करती रहती है, अब्बा से ज़्यादा आपको याद करती है। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। ये मोहब्बत है आपा आपकी। मामू चाय लाओ आपके लिए। नहीं बेटा, मुझे ज़रा जाना है। हाँ। ये तुम्हारे लिए है, शॉपिंग कर ले। थैंक यू मामू। अरे कमाल, इसकी क्या ज़रूरत थी, हमें तो बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा एहसास चाहिए हमारे लिए। अब देखो कमाल, मेरी बच्ची तुम्हारे यहाँ जा रही है, इसका बहुत ख्याल रखना, बहुत सादा है, बहुत मासूम है। आप फिक्र नहीं करें, ये वहाँ बहुत खुश रहेगी। ओ मामू जान, अपनी बहू को तो आपने चेक काट के दे दिया, मैं भी तो आपका प्यारा सा भांजा हूँ। तुम सबसे पहले और प्यारे भांजे हो। ये लो। ओ
चेक नहीं देंगे मुझे भी? रख ले। अच्छा कमाल, ये बताओ कि निकाह की तारीख कब रखनी है? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सोच के बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा आपा, इजाजत। खुदा हाफिज। मामू जान मैं छोड़ने चलूं? नहीं बेटा, ठीक, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। मामू अल्लाह हाफिज। मामू जान दिखा चेक, दिखा चेक। नहीं मेरा चेक है, मैं चेक दिखा, जल्दी दिखा। तुम इसको देखे जरा, अभी शादी होने वाली है मेरी। क्या हो क्या है? बस कर दो, बस कर दो। मैं 5000 रुपए मैं नहीं लूंगा, मुझे चेक दिखा जल्दी। मेरा चेक है तो मैं नहीं दिखा रहा। मैं शादी में नहीं आऊंगा, कसम से। मत आना, मुझे जरूरत भी नहीं है। अल्लाह, वो मेरी भी शादी कराओ जल्दी भाई। ला दिखा मुझे। अम्मा मेरा है ना। बोलो। बाबू मैं आपका इंतजार कर रहा था, कुछ बात करनी थी आपसे। कहो। मैं इतने दिन से यहां पर हूं, मुझे वापस मरी जाना। तुम जाना चाहते हो, चले जाना, लेकिन मारिया को साथ लेकर जाओ। राना नहीं जाए, वो जाना नहीं चाहती, और मेरे ख्याल में उसके जाने या न जाने भी तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जाजिबा पास से मिला था, वो शादी की तारीख मांग रही है। बाबा मेरी बात तो सुने। कहो। मारिया से शादी क्यों करूं? मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम्हें मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन की कोई परवाह है कि नहीं? क्यों मुझे जलील करने पे तुले हो तुम? मेरी जिंदगी और मुझे मेरी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ओ, तो तुम्हारी जिंदगी पर अगर मेरा कोई इख्तियार नहीं, कोई हक नहीं है, तो तुम्हें भी मेरी किसी चीज पर कोई हक नहीं है। तुमने अगर मारिया से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। बाबा मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। हेलो। हेलो आदिल, कैसे हो तुम? क्या कर रहे थे? जरूर मेरे ख्यालों में गुम हो गए तुम। मुझे फोन क्यों किया? तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा थूक दो ना आदिल। देखो हम दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आगाज हम खुशगवार मूड के साथ करें। मेरा फोन क्यों काटा है? मेरा फोन काट दिया इसने। तुमने अगर मारिया से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम जीत जाओगे? जीत हो गई तुम्हारी? हाँ। नहीं, जो कुछ भी कर रहे हो ना, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरी पिक्चर नहीं है, जिसकी वजह से अब तुम मुझे ब्लैकमेल भी करोगे। मामू मैं तो सिर्फ अपने कजन से मिलने गई थी, राना से और इससे। मैं नहीं जानती थी ये मेरे साथ ये सब कर देगा। अगर जरूरी होता तो पता होता इसे। और ये मत कीजिए यार, मत कीजिए। तुम्हारी बात हुई है ना कमाल अंकल से?
हुई है ना बात, तुम जब तक चाहती हो रमाया तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी। दीन, याद आ गई तुम्हें मेरी? लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया तुम्हें। नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया मारिया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। तुम इस शहर से कहीं नहीं जा सकते, इनफैक्ट तुम मुझसे निकाह किए बगैर तो कहीं भी नहीं जा सकते। क्यों, क्यों नहीं जा सकता? मैं तो जा रहा हूँ, रोक सकती है तो रोक। अधीन, मैं पूरे खानदान में बदनाम हो जाऊंगी, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये? Shut up. बेवकूफ जाके किसी और को बना। अदील, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ऐसा करूंगा और उसकी वजह ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ, अलबत्ता मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले हैं, जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। अदील, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ये सब कह के। Idiot. Bye. अदील, अम्मा, अम्मा, अम्मा उठे, अम्मा मेरी बात सुने। ओहो, क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही है? घर में ही है ना सब। अदील चला गया है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा और वो चला गया है यहाँ से। क्या मतलब है, कमाल ऐसा कभी होने ही नहीं देगा। अम्मा, मामू तो नहीं ना उसकी जगह साइन करेंगे निकाह के पेपर पे? अदील चला गया है, कहाँ जा सकता है, कहाँ तक भाग सकता है? उसकी लगाम तो कमाल के हाथ में। ये मत भूलो कि वो बाप की दौलत पर इतराने वालों में से है, उसके अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अरे परेशान मत हो, मैं अभी कमाल को फोन करती हूँ, पता चल जाएगा। हाँ, आप जल्दी से फोन करें, और ये शादी होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह करके ये शादी करवानी है, वरना वो राणा के सामने जलील हो जाऊंगी मैं, और वो लैला मेरा इतना मजाक उड़ाएगी, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। फोन पर बात करना मुनासिब नहीं होगा, मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उसके घर चली जाती हूँ, आमने सामने बात हो ना तो बहुत बेहतर होता है। हाँ, बात कर ले। फोन बंद कर दिया उसने मेरे मुंह पर, मुझे कह रहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जा रहा हूँ मैं। शक्ल देखी उसने अपनी? हाँ, फिक्र मत कर, तेरी माँ है, संभाल लेगी सब कुछ। मेरी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बताओ आखिर हमने ऐसी कौन सी बात कर दी, क्या कसूर है हमारा जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैंने तो उसे अपने बच्चों से ज्यादा चाहा है। आज से पहले आप और मारिया यही कहते रहे कि मारिया और अदील में अंडरस्टैंडिंग, मैं भी यही समझता रहा, लेकिन अब मैं उलझ रहा हूँ कि असल मामला है क्या। अरे तुम्हें मामलात की पड़ी हुई है, उधर बच्ची का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। रे अबा, मैं मारिया से बात करूंगा कि अगर अदील उससे भाग रहा है तो वो मरी क्या करने गई थी। अरे बच्ची मासूम है, अदील की बातों में आ गई। बातों में आ गई, इसका मतलब है कि वो उसे बेवकूफ बनाता रहा। जी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, तुम बीच में ना बोलो हमारे मामले। कमाल, अदील को फोन करो और वापस बुलाओ उसे। ले आपा, मैं पहले मारिया से कंफर्म करूंगा कि असल मामला क्या है। असल मामला ये है कमाल कि अदील तुम्हारा बेटा है, मगर मुझे बताओ कि वो क्यों हमारी बेबसी, हमारी इज्जत के साथ इस तरह खेल रहा है, हमें किस बात की सजा दे रहा है वो। अच्छा प्लीज, आप रोना तो बंद करें ना। कैसे ना रो, मेरी बच्ची। ये लें जी आपकी चाय। आज हमना से मेरी बात हुई थी,
मुझ पर खफा थी। क्यों खफा क्यों थी आपसे? उसके ख्याल में हमने उसकी बहन को उससे छीन लिया है। बेवकूफ़ है हम ना अभी। वो नहीं जानती इस वक्त आप लोगों के घर रहना कितना ज़रूरी था। और सच कहूँ तो यहाँ आके मुझे बहुत हौसला मिला। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। वालेकुम सलाम। ये क्या उठा लाए? ये वो फ्रूट है। अम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ रही हूँ। आज आपको आने में कुछ देर नहीं होगी अशोक भाई? हाँ वो एक दोस्त से मिलना था, बस इसीलिए देर हो गई। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो वीक क्यों लग रही हो मुझे? खाना सही से खा रही है या कोई परेशानी तारी की हुई है खुद पे? दोनों बातें हैं ना, ये ठीक से खाना खाती हैं और परेशान होना भी नहीं छोड़ती। तुम ही समझाओ। कितनी गलत बात है ईराना। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन भुला ही नहीं सकते। लेकिन भुलाना तो पड़ेगा ना राना। तुम्हें अपने माजी से निकल के अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ती हो तुम, कितनी लायक हो, कितनी मेहनत करती हो तुम। लेकिन मेहनत के साथ साथ यकीन की भी जरूरत है। जी चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, आज दोनों साथ खाना खाएंगे। नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा खा लेना। ठीक है। बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं था। राना और अदील ज्यादा दूर एक साथ नहीं चल सकते थे। सोचा क्यों नहीं मैंने। सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मारिया के साथ निकाह से पहले ही यहां से अदील चला गया। वो कभी भी मारिया के लिए नहीं मानेगा। कमाल जवान औलाद पर कभी सख्ती नहीं करेंगे, खासतौर पर जब उनका खुद राना के लिए इतना दिल तड़पता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जबकि राना भी इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है, उसके दिल में अदील की तरफ से बाल आ गया है। मुनीरा मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ राना वापस कब आ रही है? अभी तो नहीं, कह रही है इम्तिहान तक वहीं रुकूंगी। मैंने भी नहीं बुलाया, चलो इम्तिहान तो आराम से दे ले। तुम जब भी राना से मिलो उसे ये बात जरूर समझाना कि औरत को उसके घर को तरजीह देनी चाहिए। अभी छोटी बच्ची है ना, राना को जमाने की ऊंच नीच का नहीं पता। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे ये बात समझाएं। जी हेलो गुलाब स्पार्किंग जी। हेलो अदील बोल रहा हूँ। अदील साहब आप कहाँ हैं? अदील साहब, अदील साहब आपको पता है बड़ी फूफा बहुत गुस्सा करती हैं और साहब जी को बहुत बातें सुनाती हैं और साहब जी चुपचाप सुनते रहते हैं। बड़ी फूफा को बोले शादी करा दे मारिया की, देखिए आस में ना बैठे। ना जी ना अदील साहब, मैं कैसे भला ये कह सकता हूँ। मुझे बड़ी फूफा ने जान से मार देना है। अच्छा खैर, गुलराना कहें क्या करती रहती है? वो तो बीबी जी तो खाला के घर पे हैं। खाला के घर? जी। बाबा उसे वापस नहीं लाए? नहीं वो तो वहीं रहेंगी काफी दिनों तक। क्यों? अजीत साहब उनकी पढ़ाई चल रही है ना,
उनके इम्तिहान हो रहे हैं अभी। आंटी से बात करवाओ मेरी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं। तो मुनीरा आंटी से बात करवाओ और जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं। अभी बुलाता हूं। जी अदिल साहब बात करें। शुक्रिया। हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक हूं। गुलराना कहाँ है? बात करवाएं मेरी। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। नहीं है ना, वो घर पे चली गई है जहां दिल लगता है उसका। उसकी खाला का घर है वो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ वो किसका घर है और गुलराना वहां क्यों जाती। इस तरह बात मत करो बेटा, बेदाग दामन ही तो मेरा सरमाया है, इस तरह उसे दागदार मत करो। उसे फौरन घर पे बुलाएं, इसी वक्त। अच्छा, मैं कह दूंगी उसे। जी तो यही बेहतर है आप सब लोगों के लिए। तो सोचो कि अकेली औरत की जिंदगी सवालिया निशान बन जाती है, वो कितनी ही बकवास क्यों ना हो, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ना। ताबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बेटा, जरूर बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई जॉब स्टार्ट कर दूं। जॉब करना चाहती है बेटा? किसी बात की कमी है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त मेरे हाथ में कोई डिग्री भी नहीं है, बस मैं घर में फारिग नहीं बैठना चाहती। तो अगर मैं आपके ऑफिस में। मेरे ऑफिस में? जी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज़ होगा। तो कोई एतराज नहीं है आपको, मैं जॉब कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू ताबू। वेलकम बेटा। किसे कॉल मिला रहे थे? मैं वो मुझे पता है, राणा को कॉल मिला रहे थे। मेरी राणा से बात हुई थी। अच्छा? हाँ, बता रही थी अदील भाई मुल्क से बाहर गए हैं। अच्छा, क्या बात है? हाँ? परेशान हो? नहीं, ना हाल देखा है, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूं मैं। राणा से बहुत प्यार करती हूँ, उसे कभी बताया क्यों नहीं? हेलो राणा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। हाँ हाँ, प्लीज बोलो। मैं जॉब करने लगी हूँ ताबू के ऑफिस में। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अब तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी राणा।
ज़रूर बनती है। कल ऑफिस से वापसी पे मुझे पिक कर लीजिएगा, हम दोनों किसी अच्छी जगह जाके चाय पियेंगे। राना चाय मैं पिलाऊंगा। क्यों क्यों क्यों, आपकी तरफ से क्यों? वो इसलिए कि देखो ना, अब तो तुम पैसे कमाने लगोगी, मतलब सस्ते में टाल रही हो मुझे, तुमसे खाना खाऊंगा मैं। अच्छा चलें कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बोल रही थी राना? खुश थी बहुत। इतनी खुश थी कि क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा बच्चों की तरह जब वो खुश होती है ना, बड़ा सुकून मिलता है मुझे, बड़ी खुशी होती है। और तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। चाय ठंडी हो गई, मैं गरम करके आती हूँ। बाजी ये क्या, आप तो कहती थी कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, मुझे अम्मी को यहाँ से ले जाएंगी, आपने तो खुद तैबू के यहाँ जॉब कर ली। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है। मैंने जो तुम लोगों से वादा किया है मैं पूरा करूँगी, बस चाहती हूँ कि तैबू को किसी भी किस्म की टेंशन ना दो, जो कुछ भी करूँ उनसे पूछ के करूँ। अच्छा छोड़ें, बहुत देर हो गई, चलें सोते हैं। तुम जाओ मैं आती हूँ, कल वापसी पे मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, अर्शद भाई से मिलने जाऊंगी। अच्छा जल्दी आ जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हेलो, क्या हो रहा है, काफी एंजॉय कर रही होगी? हाँ ऐसे ही कुछ है। तैयार हो जाओ, वापस आ गया हूँ। ये बताने के लिए कॉल किया है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है, आई लव यू कहने के लिए फोन कर रहा हूँ? अदीन मैं आपसे कोई बहस करना ही नहीं चाहती, और हम आगे बात ना ही करें तो अच्छा है। बात तो तुम्हें करनी होगी। अदील मैं अपनी लाइफ से आपका चैप्टर ख़त्म कर चुकी हूँ, जो हुआ सो हुआ, मैं गुजरे हुए वक्त को याद भी नहीं करना चाहती। कैसा नहीं हो सकता कि आप भी सब कुछ भूल जाएं? बस करो। चंद्र से के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने मुझे चैप्टर ही बना दिया अपनी लाइफ का। मैं ऐसा किसी बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। बहस नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मन माने ना।